ब्रेकिंग न्यूज है, थर का कातिल सेहरा, नन्नी जिंदगियां निगलने में मसरूफ है। हुकूमत सिंध के दावे सिर्फ दावों तक महदूद हैं। गिजाई किल्लत के बायस इतलात ये हैं कि मजीद दो बच्चे चल बसे हैं। रवा साल जामभंग होने वाले बच्चों की तादाद 313 तक जा पहुंची है और साई सरकार बेखबर है। साई सरकार की जानिब से ये है कि सब अच्छा है कि इतलात मौसूल हो रही हैं। मजीद तफसीला जानते हैं असद अली से। असद अली अपडेट कीजिएगा, आज भी थर में मजीद दो बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए हैं। जी बिल्कुल, शुमाला थर पार्कर के सूरत साल मिट्टी में आज दो मजीद नन्नी कलियां जो है वो मुरझा चुकी हैं। अगर हम बात करें पूरे थर पार्कर में, तो पूरे थर पार्कर में रूरल हेल्थ सेंटर, सिविल अस्पताल मिच्ची, डिप्लो, छाछर और नगर पालकर के मुख्तलिफ हेल्थ सेंटर पर अभी भी कई बच्चे जो हैं वो जिंदगी और मौत की कश्मकश से जूझ रहे हैं। आज भी सिविल अस्पताल मिच्ची से 3 से 4 बच्चे जो हैं वो हैदराबाद और कराची मुंतकिल किए गए हैं तश्वीशनाक हालत में। अगर हम बात करें पूरे साल की, इस रवा साल की, तो 315 तादाद हो गई है हलाक होने वाले बच्चों की। लेकिन थर पार्कर की जिले हुकूमत और हुकूमत सिंध की जानिब से अभी तक भी कोई खातिर खा इंतजाम जो है वो हुकूमत सिंध की जानिब से कोई खातिर खा इंतजाम देखने में नहीं आ रहे हैं। थर में और थर में गिजाई किल्लत के बायस मजीद दो बच्चे चल बसे हैं। शुक्रिया असद अली, आपने अपडेट किया।